अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और सही कहा था आपने माँ, जब से हम इस घर में आए हम ही ने सब कुछ किया है, हमारी गलती है, वरना पहले तो ये घर स्वर्ग था। हम ही ने आकर सबके मन में लालच का बीज बो दिया। एक ही महीने में आप सब इतना कैसे बदल सकते हैं? अपने अलावा कोई किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहा। पापा तक का ख्याल नहीं है किसी को। कब से बीमार पड़े पापा, लेकिन आप लोग सिर्फ जायदाद के पीछे पड़े हुए, कोई कोई ध्यान नहीं दे रहा उन पर। वो जिए या मर। यही दिन देखने के लिए पापा ने इतनी मेहनत की, इस परिवार को संजो कर रखा, ताकि जिस दिन उनको आप सबकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़े आप लोग ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहे। कैसे कर सकते आप उनके साथ ऐसा? बिल्कुल ठीक कहा धानी तुमने, और सबने समझ भी लिया। लेकिन ध्रुव के आने के बाद एक काम करना, उसको कहना कि इस प्रॉपर्टी में हमें हमारा हिस्सा दे दे, नहीं तो हमारा दिमाग घूम गया ना तो हम सब कुछ घुमा देंगे। अगर ऐसा है तो हमारी बात भी ध्यान से सुन लो धानी। अगर तुमने या तुम्हारे उस बहरूपीय पति ने अगर बुआ और उनके पति को एक फूटी कौड़ी भी दी ना, तो तुम हमारा और पूजा का मरा मुंह देखोगी। ये बात याद रखना। चलो तुम हमारे साथ। ये क्या किया तूने? हमारे सुखी संसार को बिखेर के रख दिया, परिवार की एकता को तोड़ दिया तूने। हम और कितना बिगाड़ेगी, कितना बर्बाद करेगी इस परिवार को। कब से हम तुझे कहते हैं कि चली क्यों नहीं जाती, चली क्यों नहीं जाती, और कितना बर्बाद करोगी। हमने इस परिवार को नहीं तोड़ा मां, इस परिवार को टूटने से बचाने के लिए तस्वीर तोड़ी है। पर आप निश्चिंत रहिए, जब तक हम इस घर में हैं, इस परिवार को कभी नहीं टूटने देंगे हम। वहां हम हमारी आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे, पर इस परिवार पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे, और इस परिवार को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे हम। छोड़कर नहीं जाएंगे। क्या कहा? हमारे परिवार को छोड़कर नहीं जाएगी, यही रहेगी। ठीक है, यही तेरा आखिरी फैसला है ना? हाँ, तो आज आज हम अपने आज हम अपने खून से तुझे बद्दुआ देते हैं। देते हैं कि तू इसी घर में रहेगी, तड़प तड़प के अकेली सड़ सड़ के मरेगी।
ना रोतनी, आंसू आप पर जचते नहीं धानी बच्चा, आंसू तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। आओ मेरे साथ में, जरा बैठा। ऐ धानी बच्चा, क्या हुआ? हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, परिवार को बिखरने से नहीं बचा पा रहे पापा। बहुत कोशिश करते हैं। ये हमरा धानी नहीं है जायशा बात कर रहा है। जब तक हमरी सांस में सांस है और आपका सांस में सांस है, ये परिवार का कोई बल नहीं भांका कर सकता। और इस परिवार को समेटेंगे आप। अब आपको वही पुराना धानी बनना पड़ेगा, वही हमरी झांसी की रानी। हमने आपको खिताब दिया था कि नहीं? पापा उस वक्त हालात अलग थे। ये हमारा परिवार है, हमारे अपने है। कोई अपना नहीं है धानी बच्चा। जो अधर्मी है वो अधर्मी है, और आप अब वही पुराना धानी बनेगा और इस परिवार का कायापलट करेगा। रोज हर घड़ी आपके सामने समस्या आती है, एक चैलेंज आता है, और जो इंसान उससे जो कर्मठ होके, जो एकाग्रता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ लड़ता है, और जीत उसी की होती है। और हमरा धानी बच्चा कर्मठ है। हम आपको ये तलाक नहीं देंगे। इस शादी को पूरी ईमानदारी से निभाने का वचन लिया है हमने, तो अब हम पीछे नहीं हट सकते और ना ही आपको हटने दे सकते। हम आपसे सिर्फ 30 दिन मांग रहे हैं। वादा करते हैं कि इन 30 दिनों में हम सारे बिगड़े रिश्ते सुधार देंगे। धानी, हमने इस रिश्ते को कभी नहीं माना था। हम हमारे रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस बार हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। यही रुकिए, हम आता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अपने तो हैं लेकिन अधर्मी है, और अधर्मी का नाश होना ही चाहिए। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्म, अर्थात समर्पित हो जाओ। देखिए, जीत हमारी धानी बच्चा का ही होगा। यह है वो ज्ञान जहां आपको धर्म का साथ देना है और अधर्मी का नाश करना है।